भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले की पुलिस ने गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से फैक्ट्री संचालक को धर दबोचा गया। गोराडी के कहरपुर में विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम को इसके बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। मौके से देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित हथियार और बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुआ है। जिस तस्कर की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम मोहम्मद साहिब है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि मोहम्मद साहब का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। दिनांक 17/4/22 को वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के मिली गुप्त सूचना के अनुसार वरीय द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसमें डहरपुर में मोहम्मद साहिब साहब गिरफ्तार किया गया है उन्हें, और इनके ऊपर 2 केस जो है पहले से है। आर्म्स एक्ट का पूर्व में 2 केस है, एक गुराडी 176/15 और एक लोधीपुर कांड संख्या 180/20। ये 2 केस इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का पहले से है और छापेमारी दल का नेतृत्व जो है SHO गुराडी ने किया है, और जो भी सामान जो बरामद हुआ है उसका विवरणी जो है, एक देसी पिस्तल, 1.315 गोली जो है 3 मिला है, देसी पिस्तल बनाने वाला बॉडी 5, लोहा छेनी 4, आरी पत्ती फ्रेम लगा हुआ 1, देसी पिस्तौल बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला रेती 4, देसी पिस्तौल का बैरल लोहे का 2, शान वाला पत्थर 1, पिस्तौल के बैरल के अंदर के भार को चमकाने वाला वर्मा 1, पिस्तौल का बैरल बनाने वाला लोहे का सुभी 2, सरसी 1, गिलास 1, हथौड़ा 2, पेचकस 1, पिस्तौल बनाने में उपयोग किए जाने वाला हैंड ड्रिल 1, बिजली पर चलने वाला ग्राइंडर मशीन 1, पिस्तौल बनाने में छेद करने वाली विभिन्न आकार की वर्मी 6, पिस्तौल बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला काठ पर कसा हुआ लोहे का बेस 1 और लोहे का लिहाई 1। ये सब चीज़ जो है मतलब गिरफ्तारी के समय ये बना रहे थे, कट्टा उसका सफाई कर रहे थे, और जो बैरल है इन्होंने बताया कि ये बंगाल से ये जो है बैरल ये लाए थे और यहाँ पे ये छोटा सा इनके घर के अंदर ही ये छोटा सा फैक्ट्री मिला है, और SHO गोराडी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चीज़ का उद्भेदन किया है गुप्त सूचना के आधार पर वरीय के, और 2-3 बार लगातार ये शायद चौथा इनका कांड है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस फैक्ट्री के नेटवर्क दूसरे जिले से भी जुड़े हो सकते हैं। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।